7.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है उसके पेयर दिए हैं 2, 3 एंड 4, 1। एक तो जब भी आप एक्सरसाइज 7.1 यानी कि जो लेक्चर चल रहा है इसकी जो प्रॉब्लम करें, आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो साथ में लेकर बैठें, क्योंकि मेरे पास तो है, आप साथ में लेके बैठें और फिर इसका सॉल्यूशन साथ साथ करें। तो उसने कहा है कि इन दो पॉइंटों के बीच की आपने डिस्टेंस निकालनी है। लेट मान लिया हमने पहला पॉइंट पी है जो क्या है 2 और 3, और सेकंड पॉइंट को हमने क्या कर लिया, क्या वो मान लिया जो कि कितना है 4 और 1 है। ठीक है, टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। तो डिस्टेंस फार्मूला इससे जो पहले लेक्चर हमने बताया था उसमें बताया था आपको कि क्या है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू वो था x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है P उसके जो कोऑर्डिनेट है ये x1 ये y1 x2 y2। तो लिख भी सकते हैं आप हेयर x1 2 y1 3 x2 4 और y2 1। ऐसा करने से गलत होने के चांस जो है वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। और ये हो गया हमारे पास x2 - x1 mean 4 - 2, तो 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 3, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर। और ज्यादा सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 4 - 2 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 - 2 और - 2 का स्क्वायर। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास 4 + 4, और ये आ गया भाई हमारे पास कुल मिला के √8। √8 को और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2√2 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही आपने इसका पार्ट सेकंड करना है, पार्ट थर्ड करना है। अगर कोई ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसमें क्या है कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15, ये क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें क्या है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। सपोज पहले पॉइंट को हमने मान लिया पी 0 0 एंड सेकंड जो पॉइंट है उसको 36, 15 ये दिया। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सेम फार्मूला लगेगा वही, ये x1 है y1 x2 y2 हो जाएगा। उसके बाद इसी में उसने कहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो 7.2 में ये दो शहर दे रखे हैं, दोनों शहरों के बीच की दूरी आपने निकालनी है। दोनों शहरों के आपके पास ऐसे कोऑर्डिनेट मिलेंगे, हो सकता है ये पहला पॉइंट पी हो उसके कोऑर्डिनेट ये हो, सेकंड पॉइंट है हो सकता है ये पॉइंट के हो और उसके कोऑर्डिनेट ये हो, और आपने डिस्टेंस निकालनी है। तो सेम मेथड से आप कर सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आपने लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है
determine in the points 1, 5, 2, 3 and minus 2, comma minus 11 are collinear. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा क्वेश्चन है आता है एग्जाम में क्या कहा है इसमें तीन पॉइंट दे रखे हैं पॉइंट है 1 5 इसको सपोज करो हमने क्या दिया पी सेकंड पॉइंट पी उसको मान लिया क्यू 2 और 3 एंड थर्ड पॉइंट आर मान लिया हमने जो कि कितना है -2 और -11 वो पूछ रहा है कि बताइए क्या ये तीनों के कोलिनियर पॉइंट कोलिनियर हैं तो पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं कोलिनियर का मतलब होता है श्रेणी यानी कि जब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाए गए मीन्स हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि पॉइंट पी जो है वो बी सी लाइन हो पॉइंट क्यू वो बी सी लाइन हो और पॉइंट आर वो भी बी सी लाइन हो तो हम इस मेथड से कैसे प्रूव करेंगे ये तीनों के तीनों इसी लाइन में होंगे तो मीन्स यदि मैं पी क्यू निकाल लूँ और क्यू आर निकाल लूँ और इन दोनों डिस्टेंस का मैं सम कर दूँ तो वो किसके इक्वल होना चाहिए पी आर के इक्वल होना चाहिए अगर ऐसा हो जाता है तो पॉइंट कोलिनियर है अदरवाइज नॉट कोलिनियर ठीक है तो इसके लिए क्या करना होगा आपने डिस्टेंस निकालनी होगी आपने किसकी पी क्यू की और पी क्यू के डिस्टेंस के लिए सेम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन स्केयर तो 2 - 1 इसका होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन 3 - 5 होल स्केयर और कंप्लीट के ऊपर रूट है तो ये हो गया हमारे पास 2 - 1 1 तो 1 का स्केयर 1 3 - 5 - 2 और -2 का स्केयर करेंगे तो कितना आ गया 4 यानी कि ये आ गया हमारे पास √5 उसके बाद डिस्टेंस निकालेंगे आपने QR की सेम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 तो ये हो जाएगा -2 - 2 इसका होल स्केयर प्लस y2 - y1 -11 और -3 इसका होल स्केयर और जब आपने सॉल्व किया तो ये हो गया -4 होल स्केयर और प्लस -14 का होल स्केयर ठीक है और ज्यादा सॉल्व करोगे तो ये आ गया हमारे पास 16 और 14 का होल स्केयर 196 कितना हो गया ये ऐड किया हमने तो 6 और 6 12 10 और 1 11 और यानी कि 212 ये आ गया ठीक है उसके बाद हमने पी क्यू निकाल लिया क्यू आर निकाल लिया अब निकालना गया है पी आर तो पी आर के लिए भी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या हो गया -2 - 1 का होल स्केयर प्लस -11 और -5 इसका होल स्केयर तो ये आ गया वही हमारे पास -3 का होल स्केयर 9 और ये हो गया -16 यानी कि 16 का स्केयर करेंगे तो 36 3 6 और 3 9 यानी कि 256 ठीक है और ज्यादा सोल्व किया तो 5 और ये आ गया 6 यानी कि 263 तो कुल मिला के हमारे पास क्या था सपोज करो मान लिया हमने तीनों के तीनों एक ही लाइन में है यहाँ पी है यहाँ क्यू है यहाँ आर है पी क्यू निकाल लिया क्यू आर निकाल लिया अगर दोनों का सम करें वो पी आर के इक्वल आ जाए तो पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे अदरवाइज नॉट कोलिनियर लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें क्या जो पी आर है वो इक्वल आएगा पी क्यू प्लस क्या हुआ क्योंकि जो पी आर है वो कितना है √215 और पी क्यू है हमारे पास 5 और
जो QR है वो है हमारे पास दोस्तों 212। यानी कि अगर मैं बात करूं सिर्फ इसकी तो ये लगभग यानी कि 16 के है, ये 2.5 समथिंग है, 16 पॉइंट समथिंग है, और 212 की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारा लगभग 14 पॉइंट समथिंग। तो कुल मिला के क्या है, अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास इक्वल नहीं आएगा, यानी कि इनका सम करें और इनका सम करें, इसके इक्वल देखें हम तो ये इक्वल नहीं आएगा। कुल मिला के कंडीशन क्या होगी, ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो पॉइंट्स क्या हो गए, नॉट हो लेंगे, यानी कि पॉइंट्स फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पॉइंट्स आर नॉट हो लेंगे, ठीक है, यानी कि जो पॉइंट है हमारे वो रैंक नहीं होंगे। उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या उसने, इसने कहा कि चेक कीजिए फोर्थ में, इसने कहा कि चेक वेदर 5-2, 6-4 और फिर क्या है एंड 7-2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्या ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है आइसोसेल्स ट्रायंगल की, कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसी हो जिसकी दो साइड जो है इक्वल और तीसरी साइड इक्वल ना हो, उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो करना क्या, हमने पहले पॉइंट को हमने ए मान लिया, दूसरे पॉइंट को हमने बी मान लिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, ये पॉइंट क्या है, सी। आपने करना कैसे है, आपने ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, ठीक है। यदि इनमें से सपोज करो कोई भी दो पेयर ए बी इक्वल टू बी सी निकल जाए, बी सी इक्वल टू ए सी निकल जाए और ए बी इक्वल टू ए सी निकल जाए, तो क्या हो जाएगी, ट्रायंगल आइसोसेल्स, अदरवाइज क्या होगी, आइसोसेल्स नहीं होगी। लेकिन तीसरी साइड जो है वो भी आपने निकालनी है, क्योंकि हो सकता है इसकी तीनों ही साइड इक्वल हो, ठीक है। तो इस मेथड से आपने इसको करना है, जो कि आप कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें इसने कहा है इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, यानी कि चंपा जो चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक, कि तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, कि ए बी सी डी जो है एक वर्ग है। चमेली डिसएग्रीज, तो चमेली जो है इससे वो डिसएग्री मतलब असहमत है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो मैंने बताया था जैसा कि जब भी आप इस लेक्चर को देखें मैथ जो है वो साथ में लेकर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 5, उसकी अगर फिगर आप अपने अगर मैथ में देखेंगे और जब आप फिगर बनाओगे, जब आप फिगर बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में तब आएगा। इसने कहा है पॉइंट ए दे रखा है फिगर में, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। तो ए के कोऑर्डिनेट पहले एक्स एक्सिस जाता है, बाद में वाई एक्सिस जाता है। तो कुल मिला के ए क्या हो गया हमारे पास, ए हो गया हमारे पास 3 और 4। जो बी है हमारे पास, बी क्या हो गया हमारे पास 6 और 7 हो गया फिगर के अनुसार। जो पॉइंट सी है, सी हो गया हमारे पास 9 और 4, ठीक है। जो पॉइंट डी है, डी पॉइंट हो गया हमारे पास 6 और 1, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को निकालना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, जो आपके मैथ्स में यानी कि फिगर दे रखी है
पहले x एक्सिस वाली वैल्यू देख ले फिर y एक्सिस वाली वैल्यू देख ले, पॉइंट ए निकल गया, ऐसे ही b, ऐसे ही c और ऐसे ही d, यानी कि ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इनसे हमें कैसे पता चलेगा स्केयर है, स्केयर की डेफिनेशन क्या कहती है, उसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम AB निकाल लेंगे, यदि वो BC के इक्वल है और BC हमारा इक्वल CD है, BC इक्वल क्या है CD है और CD इक्वल DA है, अगर ये निकल गया तो चारों साइड इक्वल होगी, यानी कि अब अगली डेफिनेशन तो यहाँ तक होगी हमारी कि जो स्केयर है उसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन जो डायगोनल होता है डायगोनल पे क्या प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसी का स्केयर बनाऊं ए बी सी डी, तो ए बी बी सी सी डी और डी ये तो निकल गया, लेकिन ये भी चेक करना है ना हमने कि क्या ए सी, क्या ए सी का स्केयर बराबर निकलता है ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो जब आप यानी के ए बी बी सी सी डी और डी ए डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लें, तो डिस्टेंस फार्मूले से आप ए सी को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या है ए सी, ये ए पॉइंट रहा है हमारे पास और ये सी पॉइंट रहा है, तो ए सी निकल जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्केयर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्केयर, और कंप्लीट का आपने अंडर रूट कर देना सम करने के बाद। उसके बाद ए बी आपने निकाल ही रखे हैं ऊपर, बी सी आपने निकाल रखे हैं, चेक कर लेना है अगर इक्वल आता है तो स्केयर, अदरवाइज ये स्केयर नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चन में तो जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये थी बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 7.1, इसके यानी के 5 क्वेश्चन, इसमें से एक दो क्वेश्चन मैंने दोहरा, बाकी का मैंने हिंट ही दिया है, आप जो है सॉल्व करें नोटबुक में, और अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 यानी कि यहाँ तक कर लेंगे, फिर जो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा था जैसे इस लेक्चर को यानी कि देखने से पहले आप फर्स्ट जरूर देख लें, क्योंकि उसी से आपको समझ में आएगा कि रियल में हमें डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।